जहां एक तरफ अंबेडकर नगर जिले में डेंगू के डंक के कहर से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका टांडा के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां कूड़े का ढेर लगा हुआ है और नालियों में भी कूड़ा भरा पड़ा है, जिस कारण उनमें मच्छर पनप रहे हैं जो कि संक्रमण से लेकर महामारी तक फैल रहे हैं। दरअसल डेंगू जैसी बीमारी से निपटने के लिए खुद जिला अधिकारी सैमुअल पॉल एन ग्राउंड पर हैं और साफ सफाई बनाए रखने को लेकर अधिकारियों को नसीहत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ये बज बजाती नालियां और कूड़े का ढेर, ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि डेंगू से निपटने के लिए क्या इंतजाम है और जिलाधिकारी के आदेशों का कितना असर पड़ रहा है। यहाँ सिर्फ सफाई खाना पूर्ति के लिए की जाती है, ब्लीचिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव भी यहाँ नहीं हो रहा है, जबकि सबसे ज्यादा केस टांडा में मिल रहे हैं, फिर भी नगरपालिका बेखबर है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर क्या कोई कार्रवाई होती है या नहीं।